नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। भारत की विदेश नीति से हमेशा ही पाकिस्तान और चीन फड़फड़ाता रहा है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी की किसी ताकतवर देश के मुखिया से मुलाकात हुई, वहां पाकिस्तान और उसका सगा भाई चीन दोनों की निगाहें पीएम मोदी और भारत के अगले कदम पर रही है। लेकिन अफसोस की बात यहां ये है कि इन सब में ये दोनों ही देश बैठे बिठाए सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। यहां सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आए, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने अपने साथी देश की बेहद गर्मजोशी से स्वागत भी किया। पाकिस्तान से लेकर चीन की सरकार ऐसे बौखला गई है अभी जैसे उनकी आंखों में मिर्ची चली गई हो, और शायद इससे भी ज्यादा तकलीफ हो रही हो। बता दें कि भारत और रूस की मित्रता दुनिया भर में मशहूर है, जिनके आपसी संबंध के चर्चे इमरान खान के केबिन में खूब होती है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी खूब बिलबिला रहा है। अब सवाल ये है कि यही दोनों देश क्यों? तो इसका सीधा जवाब है, ये दोनों ही मुल्क आतंक और नरसंहार को प्रमोट करने की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। जहां इनके घर में क्या चल रहा है इनके लिए कभी ये मायने नहीं रखता, लेकिन भारत के घर में कितनी रोटियां बन रही है और कौन कौन इसे सेक रहा है, इन्हें सब जानना है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही आतंक को लेकर सरकार शुरुआत से ही सक्रिय रही है। वहीं विदेश नीति की बात करें तो सबसे ताजा उदाहरण यही है कि 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति खुद भारत आए। भले ही ये मुलाकात एक खास एजेंडे के साथ हो रही हो, लेकिन आप जानते हैं कि पुतिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना गहरा दोस्त मानते हैं। ऐसे में ये मुलाकात दोनों ही राजनेताओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि पुतिन की बात करें तो वो बेहद कम विदेश यात्राएं करते हैं। ऐसे में उनका पीएम मोदी से मिलना चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जवाब है कि भारत और रूस किस कदर करीब है। बता दें कि जैसे ही सोशल मीडिया में पुतिन और मोदी की मुलाकात की खबर फैली, पाकिस्तान में तहलका मच गया। वहां के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में जैसे गम का पहाड़ टूट गया। लेकिन इस बीच टीआरपी के भूखे इमरान खान के पत्रकार ने धनाधन दोनों पर चर्चा करने लगे। ऐसे में चीन भी कुछ कम नहीं था, दोनों ही आतंक के साथी सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि भारत की बढ़ती लोकप्रियता इनके गले की हड्डी बन चुकी है। फिलहाल नरेंद्र मोदी और पुतिन की इस गर्मजोशी वाले संबंध को लेकर सोशल मीडिया का बाजार खूब गर्म है। क्या पाकिस्तान और क्या चीन, हर जगह फिलहाल भारत की ही चर्चा की जा रही है। देखना होगा कि राख की तरह जल चुका पाकिस्तान और चीन अब क्या करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।